आज मैं मटर वाला पुलाव बनाने जा रही हूँ, कश्मीरी पुलाव। आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने गैस ऑन करके पतीला रखा, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया। और सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी। प्याज को हल्का ब्राउन करूंगी मैं। ये देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें जीरा डाला मैंने, ये दोनों इलायचियाँ छोटी बड़ी, और ये लौंग, ये काली मिर्च, और ये दालचीनी। तो हल्का सा फ्राई करूंगी मसालों को थोड़ा सा। अब ये सब फ्राई हो गया, अब मैं इसमें मटर डालूंगी। और साथ में नमक। थोड़ा सा मैं इनको भूनूंगी मटर भी और मसालों के साथ में। मैंने एक गिलास चावल, बासमती चावल भिगो के रखे हैं, और दो गिलास इसमें मैंने पानी डाला है। अब ये हल्का हल्का उबल रहा है, अब मैं इसको ढक्कन रखूँगी ताकि अच्छी तरह उबल जाए और इसकी खुशबू अंदर ही रहे, फिर मैं चावल डालूँगी बाद में। ये अच्छी तरह उबल गया है, अब मैं इनमें चावल डालूंगी। चावल मैंने डाल दिए इसमें और उबाले आने वाले हैं, तो मैं इसको ढक दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह उबाले आ रहे हैं, और मैं अब इसको धीमी आंच करूंगी। धीमी आंच करके ढक्कन रख दूंगी, 10 मिनट के बाद मैं खोलूंगी इसको, फिर देखूंगी
क्या करना है इसको। अभी मैं देखने लगी हूँ कि क्या कितना टाइम लगेगा। अभी मैं 10 मिनट ऐसे ही रखूँगी, फिर बाद में इनको दम पे रखूँगी। धीमी आंच पे रखा हुआ मैंने। ये देखिए चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं इनको दम दूंगी 10 मिनट तवे पर रख के धीमी आंच पर। इसको मैंने तवे पर रखा है, 5 मिनट तेज आंच पर रखूंगी और 5 मिनट धीमी आंच पर। जब मैंने दम पर रखा था तो ये वेट रखा था ताकि इसकी जो स्टीम है बाहर ना आए। आप भी किसी किस्म का ऐसे जब दम रखें तो वेट रखें। लीजिए ये मटर का पुलाव, कश्मीरी पुलाव तैयार है। आप भी बनाइए और खाइए और बताइएगा कमेंट में कि कैसे बने हैं, कैसे लगे आपको। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।